मसाले तो है ही ना, अब मैं सब्जी कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, बाकी लाल जी को मसाले लेने के लिए भेजती हूँ, ये सही रहेगा। ये बाके लाल जी भी तुम करण के फूफा है, फूफा जो एक बार सोचे उठने का नाम ही ना ले। ये साली मक्खी थी या मच्छर जिसने खोल दिया बाके लाल की आंखों का छप्पर? ना ये मक्खी थी और ना ही मच्छर, ये था मेरे चुन्नी का चक्कर। अरे मेरी जान से प्यारी, मेरी दुलारी, तू भी कहाँ अपनी चुन्नी गुजारी? बस बस ज्यादा रोमांटिक मूड में मत आओ, जाओ और मसाले लेकर आओ। मेरी जान से प्यारी तारा, मैं सपना देख रहा था कितना प्यारा, तेरे मसालों में लग जाए यार, उन्हें कर दिया सपने का सत्यानाश। बाके लाल जी सपना गया टूट, अब तू भी दौड़ के फूट, नहीं तो मसाले की जगह तुझे दूंगी फूट। बस बस हे भगवान, ये बाकेलाल जी भी कितने अजीब आदमी है। हे भगवान मुझे हर जन्म में बाकेलाल जैसे ही पति मिले। राम कली का कसम, सामान तो ले जा, पैसे दे के जाता ही आ जान दे। अब कैसे, अब क्या सबक सिखाऊंगा? लाला जी राम राम। काहे की राम राम बाकेलाल? क्या बात होगी लाला जी, बड़ा गुस्से में लग रहा, सब ठीक ठाक तो है? इस गांव में मेरी दो आदमी ने जिंदगी खराब कर रखी है। अच्छा नाम बताओ सालों का, सालों की जिंदगी खराब कर देंगे। तो रामकली का खसम और दूसरा तू। ओ दादा दादा भगवान मत कर, मुझे मसाले दे दे। भगवान देने के लिए मैं बैठा हूँ, पैसे लाया तू? और क्या फ्री में देना आया? अच्छा बता क्या लेगा? मुझे मसाले दे दे। कौन कौन से? काम कर सारे दे दे। बाकेलाल 80 रुपए निकाल, आना चला तेरा कोई भी कमाल। अरे लाला तेरे हाथ में तो 11 उंगली है। बात कर रहा बाकेलाल, मेरे हाथ में 10 उंगली है। सर तो लगा लो 11 है। सर तो जीत ही लूंगा। अच्छा चल लगी 100-100 की। मैंने 11 गिना दी तो मसाले फ्री और 100 रुपए अलग से लूंगा। अगर नहीं निकली तो 80 मसालों के और 100 रुपए अलग से लूंगा। अच्छा तो मिलाओ हाथ, रखो पैसे ले, हाथ खोलो ले। 10, 9, 8, 7, 6 और 5, 11 कितनी होगी? 11। अब लाला तू अपनी दुकान संभाल, मैं चला अपने घर। है बाके लाल तूने फिर कर दिया कमाल। भाई फालतूराम आ तो गए अपनी ससुराल, अब तो 15-20 दिन के लिए यही तंबू गाड, किसी के घर में हो शांति या हो जाओ राड, हम देखेंगे हमें ससुराल कौन देगा अत्तलिकार। मेरी प्यारी रामकली, पता नहीं क्या बात है, दिन पर दिन गदर होती आवे। इस फार्मूले को मुझे भी बता दे तू क्या खावे। फालतू राम मैंने एक से एक बड़ा हरामी आदमी देखा, लेकिन तेरे ऐसा नहीं देखा। तू रोज हमारे गांव में मुंह उठा के चला आवे, हम तुझे यहाँ से भगाए और तू फिर चला आवे। रामकली अब तू मेरी बात सुन ले, जब तक मेरी वो अंगूरी मरी ना, मेरा घरों जी नहीं लगता, घर पार खाने को आवे। मैं तो थारा प्यार पाने को ना आ जाऊं, ना मेरे द्वारा कहा इतना टाइम दे रहा। काम को तो तू बड़ा हल चलावे। के कह रही पड़ जावे? अरे तू कैसी बात कर रही राम कली, देखिए मैं तेरी लो जा करे की पड़ी। फालतू राम तू चला जा यहाँ से, और ना इसी फली से कर दूंगी तेरी बंद नली, चल जा। के कह रही हल जा, ले हल क्या बताओ और के करेगी।
मैं कह रही टल जा, वरना देखिए झाड़ू। झाड़ू बका मेरी जान, यू कैसी बात कह रही तू? मैं थाना जब आई हूँ और तू मुझे भाड़ू बता रही। ओ मेरे जीजा, तू मुझे माफ कर दे। अरे साफ ना, माँ माँ। अच्छा अच्छा, माफी मांग रही। तन्ने ऐसी कौन सी गलती कर दी तो तुझे माफ कर दू? गलती ये कर दी, अब तक तेरे से मुंह से बात कर रही थी, झाड़ू से नहीं कर रही थी। मगर तू मुझे क्यों पीट रही? अब चल गया पता क्यों माफी मांग रही। अजीब लुगाई है भाई, पहले माफी मांग रही थी अब पिटाई कर रही। जा चल जा यहाँ से, वरना देखिए झाड़ू। पता ना कौन सा जन्म का पाप हमें ये फालतू राम के रूप में भुगतना पड़ रहा। भाई मुझे ऐसा लगे आज यहाँ घर में कोई है नहीं, मौका बढ़िया आज ही करते हाथ साहब। लगता है घर में कोई चोर घुस गया है। बाप के लाल जी यहाँ है नहीं, अब उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया। तुम तारा आज चढ़ा ले तू अपना पारा, घर में घुस गया कुत्ता। अरे तुम्हारे जीजा फालतू राम, ए तारा यू क्या कर देता ना गलत काम, अब पाके लालजू क्या जवाब देगी तू? ओ मेरी जान से प्यारी तारा, देख मैं सामान लिया सारा। ओ मेरी आंखों के नूर, मेरे हुजूर कहाँ है तू? मेरी आंखों के नूर, ये क्या हुआ हुजूर? अरे मेरी प्यारी तारा, मुझे किससे बता सारा? हो जा चिंता मत कर, मैं आज रात इस लाश को जंगल में कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दूंगा। बाकेलाल जी अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे किसी को पता नहीं चलने का है, बस तू रोज की तरह नॉर्मल रही है। चिंता मत कर, अगर कुछ होगा ना तो सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा। चल उठ। तुम इल्जाम अपने सर पे क्यों लोगे? जेल में जाऊंगी। ओहो तू चिंता मत कर, तू ये ले मत ले, इस फालतू राम की लाश को मैं अपना ठिकाने लगा दूंगा। जा तो खाना बना। बाकेलाल, ओ बाकेलाल, अपने जीजा को बाहर निकाल। ओ भाई झंडा, तेरे हाथ में डंडा, सब ठीक ठाक तो है या पानी लाऊं ठंडा? बाकेलाल मेरा ना है आज मजाक का मूड, और तेरे जीजा को तुम मैं सलट से सूड। अरे भाई कुछ हुआ भी तू छो मारा तू तो बता। ए उस जीजा को कई बार समझा लिया पर वो अपनी हरकतों से बाज ना आ रहा, आज उसे सलट से ही समझाऊंगा। ए भाई झंडा रख दे डंडा, नहीं तो गुस्से में काम हो जाएगा गंदा। अजी तुम इसकी बातों में क्यों आ रहे? वो भीतरी होगा, आज उसे पकड़ के सूद दो। अरे बहन रामकली सुनो तो सही मेरी बात। अरे बहन तारा आज हो रहा है मेरा हाई पारा, हट जा तू। बाकेलाल जी अब क्या होगा? कुछ भी ना होगा तो घबरावे मत। जुबान को बंद रखेगा, चल मार तू, मार दे इसको आज। झंडू लाल जान से मारेगा इसे, अगर ये मर गया ना तो लेने के देने पड़ेंगे। होगी देखी जाएगी, इससे छुटकारा मिल जाएगा आज।
मेरे यार सुन तो सही, बेचारे को देखिए कितना मारेगा तो शर्म के मारे हिल भी ना रहा। जी आप शर्म को छोड़ो, आप ये देख लो ये जिंदा भी है या निकल गया। ठीक कह रही तू, इतना बढ़िया तो है ना जो हिले भी ना, अभी चेक करता हूँ। रजन्नू लाल उन्हें तो मारते किसी का लाल, नाना बागे लाल मैंने ना मारा किसी का लाल। अरे तम मरद वीर रास्तन पानी लेके इस पर चढ़ गए, ये मरता ना तो क्या होता। अरे बाके लाल भले ही दो चार घूसे और पांच सात लातों से कोई मरता है क्या? तुम्हें ना पता रामकली बहन, आदमी तो एक मुसल से मर जा। तुझे कैसे पता किसके मारी मुसल? अरे यू ब्याह से पहले की बात कर रही है, इन्हें ब्याह से पहले किसी का मुसल मार दी अब वो मर गया। अरे तुम सारी बात छोड़ दो, बताओ इस फालतू राम का क्या करना? अब करना यू है, अब तो सारा काम जाग रहा होगा, जब काम सो जाएगा रात को इसे बोरी में बंद करके फिर जंगल बंगल में डाल देंगे। झंडू तू हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, ये तो मर लिया, अब तो हम तेरी गैल है। जो बात कह के बाकी लाल तुमने कर दिया कमाल, अब तुम अपने घर को जाओ और रात को ही हो फिर सारा काम सो जा, जब रात को इसकी लाश होती है जंगल में डाल देंगे। ठीक है बाकी भाई, अब तो हम जा रहे और रात को आऊंगे। भाई बाके लाल तुमने तो हमारी जान बचा ली, अब मैं तुम्हारे घर में कभी भी गलत निगाह से नहीं आऊंगी, तुम तो बहुत ही अच्छे आदमी हो। सुन बहन रामकली, आदमी आदमी के काम आवे, अब तुम बेचिंत होकर अपने घर जाओ। ठीक है जा रही है हम। एक काम और करिए, जब आवे ना एक बोरी लेते आइए। बाकेलाल जी ये तो सही हुआ, हमारे सलकिया पर इन दोनों का पाले पड़ गई। आराम से बोल, दीवारों पे भी कान हो, किसी ने सुन ली जान के लाले पड़ जाएंगे। चल बेटा मैं दिखाऊंगा तो आगे का खेल। बाकेलाल भाई, बाकेलाल भाई, बाकेलाल, बाकेलाल जी लगता है झंडू भाई साहब आगे दिख गया। चल मैं देखता हूँ। हाँ भाई झंडू आ रहा हूँ, रुक जा। गेट खोलियो। सो गया था कि कब से दरवाजा खटखटा रहा? भाई गुस्सा मत कर, आंख लगी थी। आंख लग गई थी, चल अब फालतू राम की लाश को ठिकाने भी लगाना है। चलो झंडू भाई, ये फालतू राम की लाश खा गई। बाकी लाल जी जा भी गयो बला कली। अगर दूर अगर किसी को पता चल गया ना तो जाना खत्म आ जाएगी। हाँ चलो उसे ढूंढते हैं कहाँ चला गया। चलो चलो जल्दी चलो। झंडू भाई वो फालतू राम जहाँ कहीं भी मिल जाए ना सब बोरी में भर दियो। चलो भाई झंडू अलग अलग जाऊंगे और जिससे भी वो मिल जा उसे बोरी में भर ले। तेरे पास कहाँ है बोरी? अरे तू मेरी टेंशन मत ले, मैं अपने एंटीने के जरिए तुझसे संपर्क कर लूंगा। ठीक है अब तू राम को मिलेगा इधर जा और मैं तारे के साथ इधर जा। चल ठीक है ठीक है। अरे रामकली इनने फालतू राम ने हमारी जिंदगी जीतो जीतो बनाई रखी थी, अब मरने के बाद में और झंड कर दी। या तो तुम बिल्कुल सही कह रहे, इस फालतू राम के चक्कर में सारे काम फालतू के करने पड़ रहे, सब तो सो रहे अपने घर में और हम घूम रहे घर में। धीरे बोल भाग्यवान, अगर किसी ने देख लिया सुन लिया ना तो हमारी जान के लाले पड़ जाएंगे। यूँ तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे जी, पर एक बार ये फालतू राम हमें मिल जाए। चलो रुको 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 रुको, अरे एंटीना वाले भाई ये किसकी है लुगाई? या तो है मेरी लुगाई
और तुझे क्या परेशानी मेरे भाई? अरे बकवास मत कर, इतनी रात को तू इसको लेके शहर पे निकला है या तू कोई पुलिस वाला? तुझे सारी बात बताऊं। अबे चुप, हम हैं इस गली के इंस्पेक्टर मिस्टर गिरपड़े, जो खड़े खड़े कहीं भी पेंट में पिशाब कर देते हैं पड़े पड़े। भाई मिस्टर गिरपड़े, हम तो अपने घर को जा रहे हैं। जाओ, रोका किसने है, लेकिन ऐसे बातें करते जाओगे तो कल सुबह तक पहुंचोगे। ठीक है भाई, जा रहे हैं, चलता रहा। राम गली, बड़ी तेज भूख लग रही है और नींद भी आ रही। पहले खाओगे या सोओगे? एक काम कर, तू खाना बना ले, मैं थोड़ा सा सो लूं। हाँ, तू तो थक रहा है, मैं तो तुम्हारी यह जगी ना, या तो दोनों सोएंगे या तो दोनों जागेंगे। ठीक है मेरी माँ, पहले खाना खा लेते हैं, फिर पता नहीं कब की कब आँख खुले। ठीक कह रहे तुम, एक काम करो, तुम नहा लो, मैं तब तक खाना बना दे रही हूँ। फालतू राम की लाश बड़े घर में पड़ी हुई है। फालतू राम की लाश हरे घर में कैसे पहुंच गई? हमें ना पता, पर तुम चलो हमारे साथ। चलो तारा। हाँ भाई गंडू, बता कहाँ फालतू राम का भूत? घर में ही है अंदर। चलो चलो। गंडू यहाँ तो कोई भी ना। नहीं बाकेलाल भाई, फालतू राम की लाश यहीं पड़ी थी, इतने देर में कहाँ चली गई? लगता है तुम लोगों के मन में डर बैठ गया, तुम थोड़ा सा आराम कर लो। ये बात कर रहे तुम बाकेलाल भाई, मैंने अपनी आंखों से फालतू राम की लाश यहीं देखी। इतने यकीन के साथ कह रहे हो तो हो सकता है। हो सकता है नहीं बाकेलाल भाई, ऐसा है, जैसे ही मैं अंदर आई मुझे फालतू राम की लाश नजर आई। अच्छा बाकेलाल, अपनी चतुराई दिखानी पड़ेगी। ऐसा है, यहाँ तो कुछ है ना, अब एक दूसरे को कहना खाम खा है गलत। हम घर जाकर कुछ ना कुछ प्लान बनाओगे, तुम आराम करो और इस पानी में से भी पर्दा उठाओगे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं। अरे रामकली, तेरी आंख धोखा खा सके, मेरी आंख धोखा नहीं खाने की। मैंने फालतू राम की लाश को यही देखा था। क्यों, मुझे क्या कम नजर आता है या मैं अंधी हूँ? अरे भाग्यवान, तू लड़े मत ना, मेरे कहने का मतलब यो ना है। चल तू एक काम कर, तू खाना बना ले, मैं नहाने जा रहा। क्या हुआ बाकेलाल जी, अब क्या सोच रहे हो? मैं नू सोच रहा हूँ, जो झंडू ने देखा क्या वो सच है? अगर सच है तो फालतू राम की लाश गई कहाँ? अगर झूठ है, फालतू राम है कहाँ? यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो बाकेलाल जी, पर तुम दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। सोचूंगा नहीं तो उसे ढूंढूंगा कैसे? अब सोचते रहो, मैं तो चली सोने। बाकेलाल जी! क्या हुआ तारा? फालतू राम! फालतू राम यहाँ? जो मामला समझ में नहीं आ रहा, कर दे तो यहाँ और ये हिंदू के घर में। मुझे नहीं पता ये कैसे पहुंचा, पर तभी जल्दी हटाओ। दिमाग की दही मत करे, मैं नू सोच रहा हूँ, रात तो यहाँ था, तड़किया नहीं था, जब हम पहुँचे तो झंडू के घर पहुँच गया, हम वहाँ पहुँचे तो यहाँ। जो मामला समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ? तुम क्या करा जा? करना यूँ है, अब तू जा झंडू को राम करियो बुला के ला। ठीक है मैं जा रही हूँ बाकेलाल जी, पर तुम इस फालतू राम का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, Thank you.
बुला रहा हूँ, इसकी रखवाली कर रहा हूँ, कहीं कहीं पूरा पटले। यू मजाक करने का टाइम ना, बाकी लाल भाई यू ले रस्ते हाथ पैर पे आऊंगा इसके। अच्छा लग लो तो बंद कर रहा। भागने का फालतू राम मारू, भागा भी नहीं जा, मैं देखूंगा कहां जा रहा हूं। बाकेलाल जी जब बांध तो दिया है, अब करना क्या है बता भाई नंदू, क्या करना है? करना क्या, इसे चद्दर में लपेट लो, फिर से जंगल में दाब देंगे। अरे पर इसे लेके कैसे जाएंगे, अभी तो पूरा गांव जल रहा होगा। अभी ना आज को ले चलियो। ठीक है। ठीक है लाओ चद्दर पकड़ो। मैं मुसलमान ना जो मुझे काटोगे, मैं प्योर हिंदू हूँ, मुझे चढ़ाइयो। जिंदा तेरे पर भूत चढ़ गया क्या? ये कह रहा मूत लिखर गया के? अरे मूत मेरा क्यों लिखर था, मूत तो सारा था लिखर गया। सारा तो मूत लिखर गया, पर तू नू बता तू जिंदा है कि मर गया? नहीं मेरी सड़ज, अगर मैं मर गया होता तो मैं नू बैठा होता। ये तू यू बता, हमें तो डरा बुरा था। ए, कह रही फसा रहा था, मैं तुम्हें फसा न रहा था, मैं तो तुम्हें डरा रहा था। अरे मैं नू तो कह रही क्यों डरा रहा था? यूँ डरा रहा था, जब तुम सारे मिलकर मेरी गैल उठंग कर देते मैं भी तो कुछ करता। यह बात तो ठीक है जीजा, पर तुम यू बता तुम रात गया कहाँ था? अरे हम तो कुंडा नहीं पैरा दे रहे थे, अब दरवाजे भी बंद था। अरे मैं गया कहीं ना था, जब तुम बाहर पहरा दे रहे थे ना, मैं कुएं में लुक रहा था, और जब तुम चले गए मैं घर में ही था। मेरा तेरे पे ही तो फोकस है। पर जिंदा भाई और कैसे पहुंचा तू? जब तुम मुझे ढूंढने लिख रहे ना, मैं जत्ते निकल कर थारे घरों पहुंच गया। तुम्हारे घर में कुत्ता घुसा? तुम झंडू के घरों पहुंचे, मैं वत्ते निकल कर यहाँ आ गया। पर तू यूँ बता तू वहाँ से निकला कैसे? जब तुम डर के भाग गए थे ना। बेहोश हो गया था। एक बात और बता जिज्जा, अगर तुझे आज अभी चद्दर में बांध के जंगल में गाड़ देते तो के होता मैं भूत बन के फिर भी थारा पीछा न छोड़ता।